नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल करमीर में। आज हम हाजिर हैं पुस्तकालय सूचीकरण का एक महत्वपूर्ण वीडियो। पिछले वीडियो मैंने बिलिस फॉर ग्रुप फर्स्ट दिसंबर 2019 की जो सेक्शन ए की जो तो तीनों सवाल हल करके आपको बता दिया। हालांकि हमें परीक्षा में दो ही करने होते हैं, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको तीन ही सवाल हल करके बता दिए हैं। जो तीन जो सवाल है वो ट्रिपल सी के माध्यम से आपको करने होते हैं। जैसे एक खंड में जो दो दो सवाल आपको ट्रिपल सी के माध्यम से करने होते हैं, और खंड ब में जो SER 2 के माध्यम से करने होते हैं, उसमें कोई दो सवाल करने होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ये तीनों सवाल आपको हल करके मैं बताऊँगा, और कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में आपको करके मैं हल करके बताऊँगा। अब ये जो खंड बी का जो पहला सवाल है, ये हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अब ये आपको कंप्यूटर के जरिए आपको बड़ी स्क्रीन पे आपको बताऊंगा। अब ये आउटलाइन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इसका शीर्षक है किताब का। अब ये ट्रिपल सी की जगह यहाँ ACR हो जाएगा, ACR 2। और यहाँ जो सवाल का नंबर है वो आप यहाँ लगा देंगे, जो भी सवाल कर रहे हैं वो उसका जो नंबर यहाँ जो भी है वो आप लगा देंगे, और पीछे ये पद्धति लगा देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा आप इस पद्धति से किया है। उसके लेखक है हर्न हेरोल्ड हॉफिंग, और ट्रांसलेटेड बाय गेलेन एम फिशर। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है, कॉल नंबर दे रखी है S1 M6, एक्सेसन नंबर दे रखी है, पेज नंबर दे रखी है, और साइज दे रखी है। तो इससे पहले हम जब कॉलन जो ट्रिपल सी यानी जो कर रहे थे, तो उसमें ये पेज नंबर वगैरह ये हम नहीं लिखते थे, कॉल नंबर और एक्सेसन नंबर तक ही लिखते थे। अब ACR में ये पेज नंबर भी आते हैं, साइज भी आती है, ISBN कोड भी है, तो वो भी आते हैं। हालांकि इस सवाल में ये नहीं है, तो इसकी एंट्री के लिए आपको जैसे ये कार्ड वही सेम टू सेम इसकी जो 12x7 का यानी 12.5x7.5 जो 3x5x3 की इंच की होती है, और वो साइज सेम सेम है और कार्ड भी सेम ही है, लेकिन एंट्री करने का जो प्रारूप थोड़ा सा बदला हुआ है कि जिसमें कॉल नंबर आप ट्रिपल सी में यहाँ लिखते थे और ACR में आप यहाँ लिखेंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाए, थोड़ा बहुत चेंजेज है वो मैं आपको वीडियो में बताता जाऊँगा, आप थोड़ा तल्लीन होकर देखें। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा आपको अटपटा लगे, समझ में नहीं आए, एक दो बार चार आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉल नंबर है हम यहाँ पर लिख देंगे S1 M6, और नीचे जो एक्सेस नंबर यहाँ हम नीचे लिख देते हैं, ये इससे नीचे यहाँ लिख दो, थोड़ा यहाँ लिख दो चलेगा, ये हमने लिख दिए। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेखक का नाम लिखा जाएगा ACR में। तो इसके लेखक है हेरोल्ड और हॉफिंग, और उसके बाद आप क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। अब उसके बाद अब इसमें यही वही तरीका, ये कॉल नंबर यहाँ आते हैं ट्रिपल सी में, यहाँ आता है तो लेखक का नाम नीचे आ जाता था, तो उसके बाद ये टाइटल आता, तो ठीक उसी लेखक का नाम आ गया, लेखक के नाम के बाद इसका जो टाइटल है वो आ जाएगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। यह आपने टाइटल लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्लैश लगा देंगे, और स्लैश लगाने के बाद आप उस लेखक का नाम आप दोबारा से लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। और कोई एडिटर इसमें है तो एडिटर है, ट्रांसलेटर है, वो भी हम लगा देंगे। तो उसके बाद हमें पूर्ण विराम की बजाय यहाँ पर लगाना पड़ेगा सेमी कोलन लगाना पड़ेगा, और उसके लिए ये ट्रांसलेट बाय है तो ट्रांसलेटेड बाय लिख देंगे, ट्रांसलेटेड बाई इनका जो नाम है वो सारा हम यहाँ पर लिख देंगे।
गेलेन एम फिशर, ये लिख देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे, पहले लेखक का नाम और फिर सेमीकोलन लगा के एडिटेड बाई हो, इलुस्ट्रेटेड बाई हो, कोई भी उनका नाम लिख देंगे और फिर क्या कर देंगे हम, पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक डैश लगाएंगे और स्थान का नाम लिखेंगे, स्थान इसमें न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, और कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह इसमें नहीं है। ये मैकमिलन कॉरपोरेशन है, क्योंकि इसमें पूरा पब्लिशर का नाम लिखना पड़ता है, किसी में प्रेस होता है तो मैकमिलन कॉरपोरेशन लिमिटेड ये लिख देंगे। इतना हम लिख देंगे और फिर कोमा और जो ईयर है वो लिखेंगे इसके बाद, तो 1986 है और पूर्ण विराम लगा देंगे। ये आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, उसका टाइटल एंड फिजिकल डिस्क्रिप्शन कर, जैसे इसका टाइटल आ गया और उसका सारे जो लेखक है, एडिटर है वगैरह, जो भी सारा वो आ जाएगा। और उसके बाद हम इसके नीचे जो इसकी जो पेज नंबर है वो लिखेंगे, साइज है, पेज है, वो सारा यहाँ पर लिखेंगे। तो पेज नंबर कितने हैं, वी कोमा 452, और उसके बाद हम पी लगा दें, पी से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये पेज नंबर है। और उसके बाद ये 22.6 cm यानी सेंटीमीटर लगा देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। और कोई चीज़ इसमें अगर सीरीज का नाम होता तो आगे कोष्ठक के अंदर सीरीज का नाम हम लिख देते, और भी कोई ऐसी ISBN होते तो इनसे थोड़ा नीचे लिखते, वो अगर सीरीज के होते तो इससे इनसे आगे हम लिख देते। तो इसमें पेज नंबर इतना ही है। और इसके बाद इसमें नीचे क्या होता है कि जो हम ट्रेसिंग बनाते हैं CCC में, उस कार्ड के पीछे होती है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये खाली जगह जो दिख रही है यहाँ पर होती है, तो वो ट्रेसिंग में क्या होता है, इसका जो टाइटल वगैरह है वो सारा टाइटल आ जाएगा। तो एक नंबर इसका जो टाइटल क्या है वो ये साइकोलॉजी है, पहला जो टाइटल सीधा है वो साइकोलॉजी हो जाएगा। और दो नंबर आपके इसमें देख लेते, अगर कोई ऐसा टाइटल बन रहा है इसी किताब से तो टाइटल लिख देंगे, और नहीं तो उसके बाद ये एक एक लेखक का और एक इनका टाइटल हो जाएगा सेकंड नंबर। दो नंबर आपके ये हेरोल्ड ये हो जाएगा, और तीन नंबर आपके ये गैलन एम फिशर, और कोई इसमें एडिटर है नहीं, यही है। और उसके बाद अगला जो चौथे नंबर का जो होगा आपके वो टाइटल होगा, उसकी एंट्री होगी। और उसके बाद यदि सीरीज होती तो सीरीज की एंट्री करते, इतनी ही है और कोई इसमें है नहीं। तो ये हो गई हमारी जो मेन कार्ड है वो हो गया। अब इसी के तर्ज पे आगे हम एंट्रियां इसकी हम करेंगे। तो एंट्रियां किस तरह से करेंगे, तो अब बाकी जो एंट्री अगली जो सहायक एंट्रियां होगी, एडेड एंट्रियां होगी, ये एक नंबर साइकोलॉजी सब्जेक्ट की होगी और दो नंबर ये आपके जो लेखक है उसकी होगी, तीन नंबर जो एडिटर है ट्रांसलेटर है उसकी होगी,
और 4 नंबर जो टाइटल टाइटल जो इसका जो किताब का टाइटल उसी की एंट्री होगी, बाकी कोई एंट्री इसमें एशियर में नहीं होगी। तो पहला हम यहाँ पर लिख देंगे TITLE एडिड एंट्री। तो एडिड एंट्री हम जब भी बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका जो टाइटल है वो हम यहाँ पर टाइटल बाद में आएगा, पहले से ये हमने जो सीक्वेंस में किया ये सब्जेक्ट एंट्री आएगा, जो आपने सब्जेक्ट निकाला वो आएगा पहले, क्योंकि इसमें हमें क्रमवार बनानी है। सब्जेक्ट हमने साइकोलॉजी लिखा है यहाँ पे, साइकोलॉजी लिख दिया और पूर्ण विराम ने लगा दिया। अब इसी के बाद हम इसमें हम क्या लिखेंगे, इसके जो राइटर है उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। राइटर कौन है, जो हेरोल्ड हेफिंग है उनका नाम हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वो कॉल नंबर हम लिख देंगे, जो किताब के जो कॉल नंबर है वो हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर जो एक्सेस नंबर है वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपके यहाँ टाइटल लिख दिया, यहाँ इतनी जगह नहीं बचती है, तो इस ये जो लेखक का नाम है आप वहाँ से हटाकर यहाँ भी कर सकते हो। यदि आपके कार्ड में अगर जगह नहीं वहाँ बचती है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कार्ड में अब वहाँ परीक्षा में कितना जगह होगी वो। तो उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, रेस्ट एज मैन एंट्री, एक लाइन लिखनी है, कहना कि बाकी सारी चीज़ें जो मैन एंट्री में वही की वही है, कोई बदलाव नहीं है। दोबारा एक समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ लिख मेन एंट्री में लेखक का नाम, वो उसका जो टाइटल है, फिर उसका लेखक का नाम, ट्रांसलेटर, एडिटर वगैरह वो सारा आपने लिख दिया। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे, फिर स्थान का नाम लिखेंगे, स्थान का नाम लिखने के बाद सेमी कोलन लगा के जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कोई भी हो वो, उसके बाद आप सन लगा देंगे जो उसमें दिया हो पूर्ण विराम, यदि कोई नहीं होती है तो सीधा पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद पेज नंबर वगैरह वो लिखेंगे, उसके अंदर आगे सीरीज की एंट्री वो करेंगे। और उसके बाद ये उसमें से हमें एक टाइटल ढूंढना पड़ता है, इसी में से हमने पता चल गया साइकोलॉजी है और एजुकेशन, कोई ना कोई एक मिल जाता है। उसके बाद जो सारे एडिटर वगैरह उनकी ले ली लेखक वगैरह, और एक एक एंट्री हम टाइटल की बनाती है। अब ये जो चीज़ें आपने यहाँ निकाली इन्हीं की एक एक करके एंट्री करेंगे। अब पहली हमने साइकोलॉजी की बना दी, अगर साइकोलॉजी बना दी उसका लेखक का नाम लिख दिया और रेस्ट एज मैन एंट्री आपने कर दी। अब दूसरी जो हम एंट्री इसमें बनाएंगे वो लेखक है, तो उसको हम कहेंगे ऑथर, ऑथर एडिड एंट्री, एडिड एंट्री। तो यहाँ आप ऑथर का जो नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे, ये लिख देंगे। और उसके बाद इसका जो टाइटल है वो लिख देंगे आप यहाँ, और पूर्ण विराम लगा देंगे, और उसके बाद एक आप लाइन लिख देंगे यहाँ, रेस्ट एज मैन एंट्री। लगा देंगे, बस इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या था, ये गेलेन एम जो सहकारक है वो लिख देंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये ट्रांसलेटर है, एडेड
एंट्री ये लिख देंगे, और यहाँ जो ट्रांसलेटर का गेलेन एम फिशर लिख देंगे नाम। और उसके बाद यहाँ पर जो इसका जो जो मूल राइटर है वो हम यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे यहाँ। हेरोल्ड हॉफिंग और पूर्ण विराम लगाने, उसके बाद एक जो लाइन है वो हम सीधा लिखेंगे रेस्ट एज मैन एंट्री, और उसके बाद एक चीज बचती है हमारा टाइटल बच जाता है, तो हम टाइटल की भी एंट्री कर देंगे। जो टाइटल क्या है हमारा आउटलाइन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, और उसके बाद नीचे इसका जो मूल लेखक है वो उसका नाम लिख देंगे। और उसके बाद सेम लाइन वही रेस्ट एज मैन एंट्री, तो इस तरीके से ये हमारा जो एंट्री है वो पूरी हो गई है। अब इसमें देखो कार्ड कितने यूज हुए, एक ये दो तीन चार पाँच, पाँच ही कार्ड इसमें यूज हुए। अगर ये आपको अगर ट्रिपल सी में करना पड़ता तो आपके कितने होते मैं बताऊं, ये एक ये दो एंट्रियाँ, तीन एंट्री, चार एंट्री, पाँच छः सात आठ एंट्रियाँ लगभग एंट्रियाँ हो जाती, तो इसमें पाँच ही हुई है तो उसमें दो तीन ज़्यादा ही होती, तो ये बिल्कुल सरल है सिंपल है, तो और आप इसको आराम से परीक्षा में कर सकते हो। और अब हम अगला सवाल करेंगे, तो अगले सवाल को मैं यहाँ वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको मैंने ये कॉपी कर लिया है, वो भी सेम आपको इसी वीडियो में आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हम उतार देते हैं, और उसके बाद सवाल नंबर पाँच है, तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे पाँच नंबर सवाल जो भी है, और कोष्ठक के अंदर AACR2। अब इस सवाल में क्या ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का सवाल है, और इसमें ये जो सवाल दे रखा है वो उसका क्राइम बाय अर्बन यूथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सील इल्लस्ट्रेटेड बाय प्रदीप प्रोफेसर जयदीप और मैनेजर ऑफ पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली 2005, और अदर इंफॉर्मेशन ये कॉल नंबर दे रखे हैं, और ये एक्सेस नंबर पेज नंबर और साइज दे रखी है। तो चलिए इसका मेन कार्ड बना देंगे, मेन एंट्री और कॉल नंबर आपको यहाँ लिखने हैं Y12-33:45P5, और यहाँ नीचे आपको एक्सेसन नंबर लिखने पड़ेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं G16192। ये हो गया आपका, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो राइटर का नाम लिखना होता है, तो राइटर इसमें जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो खुद ही है, तो गवर्नमेंट का हम लिख देंगे इसमें,
इसमें जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है ये आप लिख देंगे, पहले स्थान का नाम, फिर स्पेस लेके जो आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये आपका हो गया। तो मूल जो लेखक यही मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ये है। तो इसमें जो गवर्नमेंट वाले में इसमें इस मिनिस्ट्री को क्या करते हैं, हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि अंडरलाइन हम कर देंगे। और यहाँ पे कोमा लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो टाइटल है पूरा वो हम लिखेंगे। यहाँ से टाइटल था क्राइम्स इन अर्बन इंडिया, ये टाइटल हमारा हो गया। और हम स्लैश लगा देंगे, पीछे लिखेंगे बाई बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन है, पूरा लिखेंगे, यही इसका राइटर है। डेवलपमेंट कॉमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद हम डैश लगा के स्थान लिखते हैं न्यू दिल्ली। और उसके बाद अगर ये सेमी कॉलन, ये कॉलन लगा के मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन लिखा हुआ था हम वो भी, या जो भी पब्लिकेशन है वो लिख देंगे। ये लिख देंगे और फिर कोमा करके जो ईयर है हमारा वो लिख देंगे और पूर्ण विराम ये लगा देंगे। ये तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि इसका जो पेज नंबर है वो हमें यहाँ लिखना है, के 344 पी सेमी कॉलन, और उसके बाद साइज है 22 cm। अब सीरीज का नाम इसमें है नहीं और पूर्ण विराम हम लगा देंगे। इसमें एक चीज और भी हमें ऐड करनी है, इलस्ट्रेटर बाय, तो इसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने लिखा है, इसको कॉमा करके यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा इलस्ट्रेट बाय बाय जयदीप, ये चीज़ ऐड करनी है। और उसके बाद हम यहाँ पर और कोई चीज़ है नहीं, सीरीज है नहीं वगैरह। अब हमें टाइटल निकालने हैं, ये जो अर्बन क्राइम है, ये जो वाई है, वाई सोशियोलॉजी का, एक तो सोशियोलॉजी आपके सब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा
दूसरा इसमें कोई ऐसा है नहीं, तो दूसरा आप इसकी जो एंट्री है वो आप टाइटल ले सकते हो, और कोई इसमें एंट्री है ही नहीं थी। ये दोबारा समझ लेते हैं, तो हमारी अभी हम अभ्यास ही कर रहे हैं, तो इस तरह की एंट्री आती है गवर्नमेंट पब्लिकेशन की। मैंने कुछ पहले भी सवाल करा रखे हैं, तो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, जो मिनिस्ट्री का नाम इस तरीके से लिखा है, यही इसका लेखक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है। और फिर उसका पूरा टाइटल जो ऊपर लिखा वो लिखेंगे, फिर बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि एडिटर है या ट्रांसलेटर तो उसके बाद इसको यहाँ जोड़ेंगे, और फिर पूरा डैश लगा के जो प्लेस का नाम, उसके बाद जो पब्लिशर कोई है ऐसा, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन या कोई प्रिंटिंग प्रेस ऐसा कुछ हो सकता है, वो लिखेंगे। और उसके बाद हम जो इसका ईयर लिखेंगे जो यहाँ दिया होगा, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पेज नंबर और जो साइज लिखनी होती है, और उसके जस्ट पीछे हम सीरीज की, अगर यहाँ नाम लिखा लिखा होता तो वो सीरीज नंबर लिखेंगे, और उसके बाद नीचे ISBN आते हैं, वो इस सवाल में है, आगे सवाल आएंगे हम करेंगे। और उसके बाद ये हमें ये जो हम कर रहे हैं, ये टाइटल वगैरह, ये एक ट्रेसिंग का ही पार्ट है, जो ट्रेसिंग करते हैं वो है। तो उसमें एक हमें सब्जेक्ट कोई भी इसमें ऐसे निकालना होता है, जो इस किस ये टॉपिक जो सोशियोलॉजी का है वो सोशल ले लिया, और कोई इसके अंदर अन्य ऐसी चीज़ कोई है नहीं, और एक टाइटल है। हाँ ठीक है, इसमें एक जयदीप जो इलस्ट्रेटर को हम ले सकते हैं, तो दो नंबर पे यहाँ पर जयदीप कर देंगे, और 3 नंबर पे हम इसको टाइटल को कर देंगे, तो 3 ही एंट्री आगे होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एडिड एंट्री। तो सब्जेक्ट क्या था यहाँ, तो उसमें आपको यहाँ एक Y12-3:45 P5, ये यहाँ पर आपको एक बार आपको ये जो कॉल नंबर है वो आपको यहाँ लिखने हैं, और उसके बाद ये सोशियोलॉजी आपको लिखना, ये आपको सोशियोलॉजी जो है वो आपको यहाँ लिख देना है। और उसके बाद इसका जो राइटर है वो आपको राइटर का नाम नीचे यहाँ लिख देना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, जहाँ जहाँ ये आएगी जहाँ उसको आपको अंडरलाइन करना होगा। और उसके बाद आप यहाँ एक लाइन लिख देंगे, रेस्ट एज मैन एंट्री, ये आपकी एंट्री हो गई। और दूसरी जो एंट्री है वो कोलोबोरेटर कहते हैं, कोलोबोरेटर एंट्री, तो उसकी भी एंट्री हम बना देंगे। ये भी एडिड एंट्री है, तो उसमें यहाँ आपको कॉल नंबर लिखने, और जो कोलोबोरेटर है वो उसका नाम लिखना पड़ेगा, जयदीप और उसके बाद आप यहाँ नीचे लेखक का नाम, और उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, रेस्ट एज मेन एंट्री, यानी कि जो मेन एंट्री में बाकी सेम सेम कोई चेंज नहीं हो। तीसरे नंबर पे है आपका टाइटल, तो टाइटल जो टाइटल था आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो टाइटल है
चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके बाद आपको नीचे लेखक का नाम लिखना है, ये एज इट, और फिर उसके बाद आपको लिखना है रेस्ट एज मैन एंट्री। तो इस तरीके से ये सेकंड नंबर सवाल भी हो जाएगा। इसमें आप देखो कार्ड एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार कार्ड ही यूज हुए। यदि आप इसको ट्रिपल सी से करते तो आपके कार्ड दो मैन और ट्रेसिंग दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छ, छ और ये सात, सात लगभग कार्ड आपके यूज हो जाते और ये आपके इतने मोरा है। तो अगला सवाल हम करते हैं, अगला सवाल हम वहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके सवाल के नंबर लगा देंगे और पीछे उसकी जो पद्धति है वो आप लगा देंगे। हालांकि आपको सवाल करने हैं लेकिन मैं आपको तीसरा सवाल भी करके मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मेन कार्ड में एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ आपको ये आपका मेन कार्ड है मान लो, मेन कार्ड या मेन एंट्री या मुख्य प्रविष्टि। तो यहाँ पे आपको ये जो कॉल नंबर है ये सवाल में दिए हुए ये सारे आपको यहाँ पर ये लिखने हैं। आपको आपने कॉल नंबर ये लिख दिए, और इसके नीचे यहाँ आपको ये एक्सेस नंबर जो होते हैं ये आपको 34 43 35 34 ये आपको वहाँ पर लिखने हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो लेखक का नाम है वो आपको लिखना है। और इसमें जो लेखक है वो नहीं है तो आप एडिटर का नाम भी लिख सकते हैं। इसमें ये एडिटर है कैथरीन सिप्पर। कैथरीन सिप्पर हैं। और तो इस तरह की एंट्री आती है कई बार के लेखक का नाम नहीं होता तो उस कंडीशन में हमें। और दूसरी चीज़ है इसमें एक नई चीज़ हो रही है, इसमें जो वॉल्यूम दिए वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वॉल्यूम होता है जैसे समय समय पर या दो वर्षीय त्रिवर्षीय के या मासिक हैं त्रिमासिक हैं एंट्रियाँ वो आती रहती है। तो उस प्रकार की जो एंट्रियाँ होती है उसके लिए आप ये वॉल्यूम का नाम भी हमें उसमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री किस तरह करनी है तो वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो यदि लेखक का नाम नहीं होता है तो हम ये पूरा टाइटल यहाँ लिखेंगे, और यदि लेखक का नाम होता तो पहले लेखक का नाम ही लिखा जाएगा, और यदि लेखक का नाम लेखक का नाम यहाँ आता है और ये जो चीज़ होती है यहाँ जो टाइटल होता है ये टाइटल ऊपर आ जाएगा। ये मैनेजिंग हायर एजुकेशन। मैनेजिंग हायर एजुकेशन फिर यहाँ लिखेंगे स्लैश एडिटेड बाय इसका जो नाम है वो लिख देंगे कैथरीन सिप्पर। यदि लेखक का नाम होता तो लेखक का नाम पहले लिखते, यदि नहीं दिया हुआ है
तो आप पहले टाइटल लग दो, फिर स्लैश लगा के एडिटेड बाई या ट्रांसलेटेड बाई जो उसका नाम वो आप कर दें। और उसके बाद हम इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो उसमें डालेंगे, इसमें एडिशन कितने हैं, थर्ड एडिशन, ये 3 वॉल्यूम्स है, एडिशन है, वॉल्यूम्स 3 है, तो 3 का हम जिक्र करेंगे इसमें। ये पूर्ण विराम लग जाएगा और फिर आप नीचे आके यहाँ स्थान का नाम लिखेंगे, शिकागो, फिर इसका जो पब्लिकेशंस है सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंड एंटरप्राइज, ये हम पूरा ही ले लेंगे, आपको पूरा यहाँ एज इट कॉपी उतारना है। और इसके बाद आपको पूर्ण विराम लगा देना है। तो ये सूचना हमारी हो गई। इसके बाद हम क्या क्या लिखते हैं, पेज नंबर और ये साइज लिखा करते हैं, तो हम यहाँ साइज पेज नंबर लिखा करेंगे। पेज नंबर है 8 और पी, और साइज है 154 पी, और साइज है 25.1 cm, और पूर्ण विराम हम लगा देंगे, सीरीज इसमें है नहीं। उसके बाद हमें इसकी वॉल्यूम की जो एंट्री है वो करनी है, वो किस तरह से करनी है वो मैं आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें हमने कर ली है। कंटेंट्स, कंटेंट यानी इसमें क्या क्या है, फिर सेमी कोलन, कोलन VOL.1। अब जो एक नंबर है उसका नाम हमें लिखना है, एक नंबर क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन, ये लिख देंगे। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे, फिर VOL दो नंबर का क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, वो लगा देंगे। फिर VOL तीन नंबर क्या है, कॉम्परेटिव स्टडीज, इतना ही हम लिख देंगे। और उसके बाद हमें ट्रेसिंग करनी है इसकी, ट्रेसिंग में हमें एक नंबर में एक ही टाइटल इसमें आ रहा, हायर एजुकेशन, एक तो हायर एजुकेशन हमारा टाइटल हो जाएगा, और दो नंबर पे अब इसमें वॉल्यूम से हमें कुछ चीज़ें मिल रही है, एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट मिल रहा है तो इकोनॉमिक्स आप भी ले लेंगे दो नंबर, और तीसरा ये कॉम्पिटिटिव स्टडी, ये भी हमारा सही तरीके से
ड्रेसिंग ही है, तो 3 नंबर पे इसको ले लेंगे। और उसके अलावा 4 नंबर जो हमारा टाइटल हो जाएगा इसमें दिया हुआ। ये थोड़ा सा शुरुआत में टिपिकल लगता है, लेकिन अभ्यास करने के बाद ये चीज़ सरल हो जाती है। अब मैं दोबारा इसको आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आधा सवाल आपका यहाँ हो गया है। तो इस तरह का यदि सवाल आता है, मान लो ये यहाँ पर वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड ये दी, अब नए तरीके सीख रहे हैं जो मैंने अभी जो बताया वो छोड़ दो भले। तो सबसे पहले हम यहाँ जो कॉल नंबर यहीं लिखते हैं और नीचे एक्सेशन नंबर लिखते हैं, और इसमें लेखक का नाम नहीं है। यदि लेखक का नाम होता तो हम क्या करते, सीधा ही लेखक का नाम लिखते, फिर आगे भाई लेखक का नाम है, फिर एडिटेड भाई इस तरीके से लिखते। तो इसमें लेखक का नाम यहाँ से हट गया, तो उसके बाद टाइटल ही आता, लेखक के नाम बाद टाइटल, फिर भाई स्लैश एडिटेड बाई कैथरीन, ये हो गया। और फिर अगर ट्रांसलेटर होता तो वो सारा हम यहाँ करते, और यहाँ जगह नहीं बचती तो नीचे लाइन में आते। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, स्थान का नाम लिखते हैं, फिर वो सेंटर फॉर मैनेजमेंट जो भी इंटरप्राइजेज या पब्लिक प्रेस हो कोई भी हो वो हम लिखते हैं, और उसके बाद सन लगा देते हैं। इतना ही लिखते हैं हर बार सवाल में। उसके बाद यहाँ पेज नंबर वगैरह साइज लिखते हैं, और उसके बाद हम ट्रेसिंग ये करते थे। लेकिन इसमें ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए हमें कंटेंट्स रखना है। कंटेंट का मतलब कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, तो ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम फर्स्ट लिया, उसका जो यहाँ नाम है वो लिख दिया 2 नंबर, जो यहाँ नाम है वो लिख दिया, यहाँ वॉल्यूम 3 नंबर, यहाँ नाम है वो लिख दिया, पूर्ण नाम लगा दिया। अब हमें यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग में से हमें यहाँ सब्जेक्ट ढूंढने, सब्जेक्ट एक तो सीधा हायर एजुकेशन यहाँ से निकल रहा है, और दूसरी जो सब्जेक्ट है यहाँ से हमें जनरल इंट्रोडक्शन किसी का भी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स लिख दिया। कॉम्पिटिटिव स्टडी जो तुलनात्मक कोई अध्ययन है उसको ले लिया, और चौथा हमने टाइटल ले लिया। अब हमें ये 4 एंट्रियाँ करनी है, और एक एंट्री और भी हम करना चाहें, क्योंकि ये सूचीकरण का जो काम होता है कि इसमें कितनी ज़्यादा एंट्री है ताकि जो पाठक आता है वो आसानी से पहुंच सके। तो एक और एंट्री हम इसमें जैसे जो कोलबोरेटर है वो कर सकते हैं, उसी की कर सकते हैं। तो बाकी तो उसको भी हम यहाँ से 4 नंबर पे रख देते हैं, या 5 नंबर पे भी रख सकते, कहीं भी रख सकते, लेकिन उसकी एंट्री यहाँ पर हमारे पास आनी चाहिए। ये है के थ्रीन सिपर। तो अब इन्हीं की हम एंट्री हम आगे करेंगे। तो जो पहली एंट्री होगी वो आपकी टाइटल की होगी, टाइटल टाइटल एंट्री। और यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये कॉल नंबर ये आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर कॉल नंबर लिख दिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ये हायर एजुकेशन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसी का ये टाइटल हमने जो लिया है वो। यानी कि ये मेन कार्ड बनेगा, यहाँ जो 2-4 नंबर 1 नंबर 2 वो उन्हीं की एंट्री हम लगातार करते जाएंगे, हायर एजुकेशन। और उसके बाद आप सीधी एक लाइन लिख दो, रेस्ट एज मेन एंट्री, आपका सवाल पूरा हो गया। मतलब रेस्ट एज मेन एंट्री। और उसके बाद है ये और एक और टाइटल है, अब इस तरह से टाइटल हो जाते हैं, जैसे 2 टाइटल हो गए इसमें, जैसे टाइटल 1 कर दिया और यहाँ टाइटल आपने 2 कर दिया, और एडेड एंट्री। और फिर आप जो अगला जो कार्ड होगा उसमें आप
तो उसमें हमें यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। तो और यहाँ आपको जो ये कॉल नंबर है वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ जो सेकंड टाइटल था वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपने लिख दिया। और उसके बाद आपको यहाँ नीचे आके एक आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, रेस्ट एज मैन ENTRY, इतना ही लिखना पड़ेगा और आपका ये सवाल हो जाएगा। और इसके बाद आपकी एक चीज और जो सब्जेक्ट बचता है वो आपको अगला सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। अगला सब्जेक्ट हमारा था कोऑपरेटिव स्टडी, कोऑपरेटिव स्टडी। तो उस कोऑपरेटिव स्टडी को आप यहाँ पर लिख सकते हो, टाइटल थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो टाइटल है वो लिख देंगे, और फिर नीचे आप लिख देंगे रेस्ट एज सेम एंट्री। और उसके बाद हमारा बचता है इसका खुद का जो टाइटल है वो आपका बचेगा, टाइटल 4 नंबर। तो इसका जो खुद का टाइटल है मैनेजिंग हायर एजुकेशन, और बाकी सेम सेम ये आ जाएगी। और उसके बाद कोलोबोरेटर एंट्री बचती है, तो यहाँ कोलोबोरेटर आपका जो उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो कैथरीन कैथरीन सिपर। और पीछे आप सेम सेम रेस्ट एज मैन एंट्री करें। तो इसमें SER के अंदर एंट्रियां करना बिल्कुल ही आसान है। और इस तरीके से आप देखेंगे आज हमने जो सवाल है वो कितने, 3 सवाल कर दिए हैं। जो सेक्शन बी होता है ये आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के ये SER के जरिए किया, और दूसरा जो सवाल है क्राइम बाय यूथ अर्बन यूथ ये भी हमने SER के जरिए किया है, और मैनेजिंग हायर एजुकेशन को भी हमने SER के जरिए किया है। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे ही नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आप मेरे वीडियो के जरिए लाइब्रेरी साइंस के जो सूचीकरण वर्गीकरण की तैयारी कर सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।